अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये दही फुल्की की रेसिपी। अगर आप कराची से वाकिफ़ हैं तो आपको बंस रोड का भी पता होगा, और अगर नहीं भी पता तो जस्ट लेट मी टेल यू दैट दिस इज़ द सॉफ्टेस्ट दही फुल्की यू विल एवर हैव। एंड ये ओरिजिनली रेसिपी श्री अनवर ने शेयर की थी, और ये हमेशा फुल प्रूफ बनती हैं। ये फ्रीजेबल इसकी दही फुल्कीज़ होती हैं, सो ऑल यू हैव टू डू इज़ टेक देम आउट एंड पुट देम इन हॉट वाटर या बॉयल देम इन हॉट वाटर फॉर कपल ऑफ मिनट्स एंड इट्स रेडी। सो लेट्स गेट टू मेकिंग इट। इसके लिए हमें मूंग की दाल का आटा चाहिए होगा। अगर आपके पास मूंग की दाल का आटा नहीं है तो आप मूंग की दाल को पीस लें। इसके लिए हमें 2 कप मूंग की दाल का आटा चाहिए होगा, 3 टीस्पून्स ऑफ बेकिंग सोडा, 2 टीस्पून्स ऑफ सॉल्ट, एंड यू विल नीड ऑलमोस्ट 1/4 कप ऑफ हॉट वाटर। लाइक वार्म होना चाहिए, लुक वार्म नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम मूंग की दाल का आटा लेंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 leveled teaspoons ऑफ बेकिंग सोडा, इसके बाद इसमें जाएगा सॉल्ट 2 टीस्पून्स, उसके बाद हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके पहले इसको अच्छे से विस्क करेंगे, जैसे बेकिंग में ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं। उसके बाद हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके गरम पानी डालेंगे। अच्छा, अब मैं इसमें बहुत डिटेल तरीके में आपको दिखा रही हूँ कि कैसे थोड़ा थोड़ा करके आपने गरम पानी डालना है। मेक श्योर कि आप थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, बिकॉज इसको बिल्कुल लिक्विड ही बैटर नहीं बनाना है। इसका एक बहुत ही जैसे पकौड़ों का होता है या जैसे पैन केक का बैटर होता है, इस तरह थिक साइड पर स्मूथ रनी नहीं होना चाहिए बिल्कुल, बस इतना कि ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी, पर एक स्मूथ सा बैटर चाहिए होगा। इसीलिए आप बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता करके, लाइक ये अब लग रहा है कि बैटर फॉर्म में आ रहा है, बट आई स्टिल कंटिन्यू टू विस्क इट फॉर अ कपल ऑफ मोर मिनट्स कि इसकी जो घुटलियाँ टाइप चीज़ें ये हट जाएँ। एंड इट्स रेडी गाइज। इसको ईजीली, ये टिप है, इसको ईजीली इसको फुल्कियाँ बनाने के लिए मैं इसको बहुत छोटी वाली पाइपिंग टिप यूज़ करती हूँ, एंड आई पुट इट इन अ पाइपिंग बैग, और मैं इस तरह ग्लास में इसको डाल दूँगी, एंड आई पोर द इंटायर जो भी मैंने बैटर बनाया है वो इस पाइपिंग बैग में डालूँगी। इससे ये होता है कि बहुत ईजीली आपकी फुल्कियाँ बन जाती हैं, वो बिल्कुल गोल गोल नहीं बनती हैं, थोड़ी लंबी लंबी बनती हैं, बट हु केयर्स राइट। मैं आई डोंट केयर एंड इट मेक्स माई लाइफ सो मच ईजी। वरना आप चम्मच से भी डाल सकते हैं, जो कि मैं आपको दिखाऊँगी वीडियो में अभी आगे, बट आई फाइंड दिस सो 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 हेल्पफुल, बिकॉज इससे मेरी बहुत जल्दी फुल्कियाँ बन जाती हैं। अच्छा, तेल गर्म होना चाहिए बट हल्की आँच पर, और इस तरह मैं पाइपिंग बैग से इजीली जल्दी जल्दी डाल देती हूँ। मैं जैसे ही फुल्कियाँ हार्डली विद इन अ कपल ऑफ सेकंड्स वो ऊपर खुद ही से आ जाएंगी, और मैं पहले सारे के सारे तेल में जितनी जगह है मुझे, मैं अच्छे से, यू कैन सी, मैं बिल्कुल हल्का सा लाइक हाफ अ सेकंड का स्क्वीज़ करके, ये बिल्कुल हार्डली 1 इंच की भी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि बिकॉज ये फूलती हैं, ये जब बनेंगी तो ये फूलेंगी, एंड दीज आर फुल्कीज नॉट दही बड़ाज, सो इसका साइज़ एक्सट्रीमली स्मॉल। अभी आपको कैमरे में शायद कैमरे की वजह से, बिकॉज काफ़ी करीब है कैमरा, थोड़ी बड़ी लग रही है, बट ये बहुत थोड़ी सी थी। जब ये सारी ऊपर आ जाएँ तो इसको अगेन हल्की आंच पे करना है। मैं इसको फिर आई जस्ट टर्न देम इन कि सबका इक्वली लाइट येलो, बिल्कुल प्यारा सा खूबसूरत सा कलर हो जाए। इसको हम रीफ्राई करेंगे इसको अच्छा सा कलर देने के लिए, बट दिस इज़ द स्टेप दैट श्री अनवर डिड एंड आई हैव नॉट ट्राइड कि मैं इसी को, आई थिंक कि इसमें वो अच्छे से पक जाती हैं, क्योंकि इसमें 2-3 मिनट लगते हैं, एंड आई एम जस्ट टेकिंग देम आउट ऑन अ पेपर टावल एंड आई जस्ट लेट देम सिट, जब तक मैं सारी की सारी दही फुल्कीज़ का ये स्टेप नहीं कर लूँगी। इससे बहुत सारी दही फुल्कीज़ बनती हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊँगी इस वाले इस क्वांटिटी से, जो कि मेरी तो 3 दावतों के लिए चल जाती हैं, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि मेरा पूरा रमज़ान चल जाएंगी ये वाली क्वान्टिटी। सो इस तरह, और अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है या अगर आप गोल बनाना चाह रहे हैं तो आप इस तरह जो है ये स्पून से बिल्कुल छोटा छोटा, लाइक हार्डली, ये टीस्पून मैं यूज़ कर रही हूँ, और टीस्पून का भी यू कैन सी मैं बिल्कुल 1/4 से भी कम टीस्पून डाल रही हूँ, ये खुद ही फूल जाती हैं। जैसे ही आप डालेंगे ये इसमें भी फूलेंगी, उसके बाद पानी में तो ये ट्रिपल हो जाएंगी साइज़ की, और इससे भी गोल गोल बनती हैं ऑफकोर्स, बट इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। सो आई फाइंड द पाइपिंग बैग very easy to do, or I don't care about the shape, if you do then go ahead, you can do this। देखिए आप कितने खूबसूरत गोल बन रही हैं इससे, बट ऑनेस्टली इससे मुझे लगता है टाइम ज़ाया होता है। इसमें भी यही है, खुद ही से ऊपर आ जाएंगी विद इन अ कपल ऑफ सेकेंड्स, और हल्का सा 2-3 मिनट ये तेल में पकेंगी, इवनली गोल्डन येलो हो जाएंगी, और इसको हम निकाल लेंगे पेपर टावल पर।
उसके बाद मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इसमें कितनी सारी की सारी बन जाती हैं. यस यू कैन सी इट हियर. ये मेरा सारे के सारे मैंने फुलकी फ्राई कर लिए हैं, बट दिस इज़ जस्ट फ्राइड वंस. इन सबका इवनली गोल्डन ब्राउन कलर आया. यू कैन सी दीज आर गोल्ड फुलकीज एंड दीज आर द स्ट्रेट फुलकीज डन विद द पाइपिंग बैग जो के साथ हैं. यू कैन सी देर इज़ नॉट मच डिफरेंस. और दही में डल के तो ऑनेस्टली पता भी नहीं चलता, बट अगेन एवरीबडी हैज़ देयर ओन प्रेफरेंसेज. आई प्रेफर ईज ओवर द शेप. इसके बाद तेल अच्छा गर्म करना है और आपने सारी की सारी दही फुलकी उस तेल में फिर से डाल देनी है. एंड इट विल टेक लाइक, आप देख रहे हैं कि मेरी अभी तक फुलकियाँ सारी डली भी नहीं हैं और जो तेल में ऑलरेडी फुलकीज हैं उनका कलर ऑलरेडी गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है. सो आई जस्ट कीप ऑन पुटिंग माई चम्मच और उसको चम्मच से हिलाती रहूँगी जब तक वो सब के सब अच्छी सी गोल्डन ब्राउन ना हो जाए जो कि एक्चुअल फुलकीज का कलर होता है. बस इसमें हार्डली अ मिनट भी नहीं लगता वरना जल जाएंगी. आई जस्ट टेक देम आउट जैसे ही मुझे लगा कि इसका इवनली कलर हो गया है. दिस इज़ सो ईजी. ये स्टेप करने के बाद जब फुलकियाँ रूम टेम्परेचर पे आ जाएं तो आप इसको बहुत ईजीली फ्रीज़ कर सकते हैं. यू कैन सी ऑन द टॉप मेरा पहली दफ़ा जो हमने हल्की तेज आँच पे फ्राई किया था वो वाला कलर है. एंड ये सेकेंड वाला, सेकेंड टाइम करके थोड़ी हार्ड हो जाती हैं फुलकी. एंड दिस इज़ परफेक्टली गुड टू फ्रीज़ नाउ. मैं अभी बनाने लगी हूँ थोड़ी सी, तो मैंने ये सेपरेट कर ली है थोड़ी सी, बट द रेस्ट आई विल फ्रीज़. अच्छा, जब आपको बनानी हो या जब भी आपको फ्रीज़र से भी निकालनी हो, गर्म पानी, खौलते हुए पानी में आप अच्छा सा नमक डालेंगे. यू विल मिक्स द नमक एंड यू विल पुट द दही फुलकीज इन इट आफ्टर मिक्सिंग द होल वाटर थिंग. जैसे कि यह मिक्स हो गया है, मैं इसमें सब दही फुलकियाँ डाल दूँगी, इकट्ठे डाल दूँगी. और इट इज़ जस्ट सो सिंपल. आप फ्रीजर से भी निकालें तो भी आपने यही स्टेप करना है. और अगर आपके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है तो आप अच्छे उबाल लें फुलकियों को नमक वाले पानी में. दिस इज़ इट गाइज, दिस इज़ द रेस्ट ऑफ द दही फुलकीज. यू कैन सी कि कैसे ट्रिपल होता है साइज. यू कैन सी ये अभी हार्डली 10 मिनट भी नहीं हुए इसको पानी में, एंड यू कैन सी एग्जैक्टली कितना ऑलरेडी डबल हो गया है. और इसको 2 घंटे आप रखेंगे तो ये बिल्कुल एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली सॉफ्ट हो जाएंगे. द ज़िपलॉक इज़ रेडी टू गो इन द फ्रीज़र. और मैं ये बिल्कुल नीचे पकते ऐसे ही निकाल के यू विल जस्ट थ्रो इट इन द वार्म वाटर, गर्म पानी. एंड यू कैन सी हाउ जूसी दीज दही फुलकीज आर. इसको मैंने 1.5 घंटा ये हुआ है इसको गर्म पानी में. एंड दैट्स इट. इसके लिए हम असेंबली के लिए हमें दही चाहिए. वी विल नीड पिसी हुई चीनी, लाइक बाहर तो मिल जाती है आराम से, बट अदरवाइज आप पीसले चीनी को. यू नीड चाट मसाला एंड सॉल्ट एंड यू आर गुड टू गो. सो नाउ लेट्स गेट टू असेंबलिंग दिस ब्यूटी. I'm using 2 cups of dahi here, or like I'm measuring it properly. इसके बाद मैं दूंगी 7 tablespoons of पिसी हुई चीनी and I'll just add on top of the dahi. अभी मैं कुछ भी मिक्स नहीं कर रही है. अभी इसी के ऊपर मैं चाट मसाला डालूंगी. चाट मसाला अराउंड 1.5 teaspoon इसमें जाएगा. एंड आई एड सॉल्ट ऑल्सो एट द सेम टाइम. इसके बाद जस्ट मिक्स द इंटायर थिंग. अब ये एक स्टेप है, इसमें हमने फुलकियों को अच्छे से निचोड़ना है. यू कैन सी हाउ आई एम प्रेसिंग इट इन बिटवीन माई हैंड्स एंड जस्ट एड इट टू द दही. ये आप जब प्रेस कर रहे होंगे तो थोड़ी सी शायद टूट भी जाएँ, जैसे आपको नज़र आ रही होगी. वो मैं ज़्यादा ही थोड़ी जज्बाती हो गई थी, अदरवाइज नहीं टूटती हैं ये. एंड जस्ट मिक्स इट नाइसली विद अ सॉफ्ट हैंड. इसको बिल्कुल आपने तेज़ी तेज़ी से नहीं करना. टेक योर टाइम एंड मिक्स इट. ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको, मतलब बिकॉज और इसको मिक्स करने के बाद इसको आप 1/2 घंटे तक फ्रिज में रखें, बिकॉज तभी अच्छा सा दही पी लेती हैं तो और मज़े की लगती हैं. एंड दैट्स इट गाइज, इट्स सो सिंपल. आप फ्रीज़र से निकाल लें दही फुलकियाँ, जितनी भी आपको 12-15 निकालनी है, जस्ट थ्रो देम इन द वाटर गर्म पानी या उबाल लें 3-4 मिनट के लिए गर्म पानी में अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है. एंड इट विल बी गुड टू गो. दिस इज़ सच अ क्विक साइड डिश, स्पेशली अगर पास फुलकियाँ रेडी हों फ्रीज़र में. साइड डिश, ये परफेक्ट साइड डिश है टू गो ऑन द दावत. इसको ऐसे फ्रिज में रखते हैं और सर्व करने से पहले इस पे चाट मसाला अच्छा सा छिड़कें फॉर द ब्यूटी. एंड इट जस्ट लुक्स, आई मीन लाइक जस्ट लुक एट इट. ये इतनी परफेक्ट, इतनी सॉफ्ट, इतने मज़े की बनती हैं. एंड यू कैन ऐड सम पापड़ी ऑन टॉप ऑफ इट टू जस्ट यू नो ऐड द फ्लेवर. एंड हियर यू कैन सी द टेक्स्चर. ये again, please try this recipe in Ramadan and make sure to subscribe to my channel and thank you for watching and let me know how it goes for you.